हाँ जी बेटा, टुडे जो है, जो हम रिवीजन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हम डबल एंगल फॉर्मूलेज जो है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसको लर्न करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम लर्न नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गए बेटा, हम लोग साइन जो गए 2x का फॉर्मूला जो गए, क्या होता है हरनूर, पता है साइन 2x का फॉर्मूला, पता है? नहीं याद आ रहा, ध्यान से लर्न करना बेटा। 2 sin x cos x, देखो। हाँ जी, यस हिमांशु, ओके। एनी अदर फॉर्मूला जो टैन की फॉर्म में, वो भी याद करना है। 2 tan x over 1 plus tan square x, पहला फॉर्मूला है ये, लर्न करना ही करना है, अभी बैठ के साथ साथ लर्न करो, ठीक है ना? मैंने सभी से सुनना है, क्लियर? मैंने अभी एंड में सिर्फ फॉर्मूलेज, क्योंकि जब तक फॉर्मूलेज नहीं आएंगे आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, कोई फायदा नहीं है हमारी मेहनत करने। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस 2x का, देखो मैंने कैसे याद किया हुआ है, कॉस से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस से ही करना है, cos² x - sin² x बेटा, लगा दिया। अब मुझे पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो मैं अगर sin² की जगह पे मैं आइडेंटिटी लगा दूं 1 - cos² x, तो ये क्या बन जाएगा, cos² x - 1 - cos² x। ये खोलूंगी तो बेटा cos² x - 1 plus 2 plus cos² x, तो इट कम्स आउट टू बी 2 cos² x - 1, ठीक है ना? फर्स्ट फॉर्मूला ये, सेकंड फॉर्मूला ये। मैंने यहां पर साइंस केयर को चेंज किया था ना, अगर मैं कॉस केयर को चेंज कर दूं, मैं कॉस केयर की जगह पे 1 - sin² x लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 2 sin² x, यानी ये सेकेंड फॉर्मूला बन गया। ओके, ठीक है, cos² x - sin² x, 2 cos² x - 1, 1 - 2 sin² x। अब टेन वाला भी तो चाहिए, है ना? वो क्या होता है, 1 - tan² x ओवर वही 1 plus tan² x। ओके, ये हमने क्वेश्चन में देखना है कौन सा यूज होता है, कैसे यूज होता है, दैट वी हैव टू चेक। ये तो प्रूफ करके दिखाया, इसका कुछ लेना देना, ठीक है? ये फर्स्ट है मेरे पास, sin 2x का 2 sin x cos x, और टेन की फॉर्म में क्या है, 2 tan x over 1 plus tan। मैंने कैसे याद रखा, आना नीचे, ये 1 - tan² है, ये 1 plus tan² है ना? क्योंकि जब हम साइन कॉस वाला करते हैं ना, मैंने यह याद किया हुआ है, sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, दोनों में प्लस आता है ना, तो यहां पर भी दोनों में प्लस आ, 1 plus tan² x 1 plus। आप अपने ट्रिक्स खुद बनाओ कि कैसे हम याद हो, मेन तो लर्निंग है इसमें बस, ठीक है? और मेरे पास जो है sin 2x का 2 sin x cos x, और जो है 2 tan x over 1 plus tan² x, और cos वाला मैंने लर्न देखो कैसे किया हुआ, cos 2x होता है cos² x - sin² x, है ना? cos है ना, तो 2 cos² x - 1, साइन वाला है तो 1 - 2 sin² x, टैन वाला तो पता ही है जो नीचे वही ऊपर, लेकिन साइन का फर्क। सबको बात समझ आई फॉर्मूलेज की? अच्छा, यही से ना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है निकलता है आगे, +2 में भी बहुत हेल्प करेगा, क्या कि cos² x की जगह पे, cos² x की जगह पे आई ऑलवेज यूज 1 plus cos double of the angle by 2।
ओके, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे वन माइनस कॉस डबल ऑफ द एंगल बाय टू, क्लियर? सिर्फ ये याद रखना, ये कहां से निकाला? इस फॉर्मूले से, इसको इससे इक्वेट किया तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी, ये उधर जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा और टू से डिवाइड होगा, है ना? ऐसे ही है, इसको इससे इक्वेट किया तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, वन उधर जाके प्लस और टू से डिवाइड। देखो यही बने हैं ना, इन्हीं से बने हैं फॉर्मूले, बस याद करना आप पे डिपेंड है कि हाउ यू आर लर्निंग देम, हाउ यू आर जो है रिकॉलिंग देम। क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? एनी डाउट? यशिका, नवकिरत, मन्नत, अनमोल सिंह, आशीष, मयंक, सबको क्लियर? चलो दैट्स गुड, यहां तक सबको लर्न हो गए फॉर्मूलेस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? सबको लर्न हो गए? सुन लो मैं किसी से भी? चलो जी लेट अस सी। हाँ जी, अब देखो जैसे ही मैं कहती हूँ ना लेट अस सी, चलो सुनती हूँ, वैसे ही बाहर कोई निकल जाता है, इतने डरते हैं पता नहीं कि मैम ने क्या बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। अरे फॉर्मूले ही तो सुनने हैं, ब्लैक बोर्ड पे फॉर्मूले लिखे हैं, है ना? अगर नहीं भी आता तो एक बार देख लो और बोल दो। ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं मैम ने कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट कर देना। बाबू कुछ नहीं, लर्न करना है, हिम्मत रखो, लर्न करना ही पड़ेगा। चलो अर्शदीप रोल नंबर 7, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी बेटा, कॉस 2x का फॉर्मूला बताइए कोई भी। मैम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके मन्नत, अनम्यूट योरसेल्फ। मन्नत? यस मैम। मुझे जो है फॉर्मूला बताइए साइन 2x का इन टर्म्स ऑफ 10। साइन 2x का in... हाँ जी इन टर्म्स ऑफ 10 बेटा। 2 tan x ओवर 1 tan square x। 1 plus tan square x, वेरी गुड। चल बेटा हरनूर मुझे बताओ cos 2x का इन टर्म्स ऑफ cos, इन टर्म्स ऑफ कॉस। बिल्कुल कॉस है ना, तो याद रखो कॉस से ही शुरू होना है, और कॉस है तो आगे टू लगना ही लगना है, तो टू कॉस के रेक्स माइनस वन, और इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए तो वन माइनस टू साइन के रेक्स, बस इतना ही तो याद है, ट्रिक्स खुद बनाओ। ओके जी क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा टेन 2x का फॉर्मूला, लेट अस डू टेन 2x का। मेरे पास हो गए टेन 2x का फॉर्मूला मेरे पास। देखो टेन किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कॉस, है ना? यानी अगर मैं साइन 2x और कॉस 2x का फॉर्मूला लगाऊं टेन वाला, जब मैंने लगाया साइन 2x का क्या फॉर्मूला लगेगा मेरे पास यहाँ पर? दैट इज 2 tan x ओवर 1 plus tan square x। cos 2x का क्या होता है? 1 minus tan square x ओवर 1 plus tan square x। कैंसल, क्या बचा मेरे पास? 2 tan x ओवर 1 minus tan square। बस यही याद रखना, ये तो जस्ट आपको कैलकुलेशंस बताएंगे। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? ठीक है जी, ऐसे ही बेटा हमने साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, वो मैं मानती हूँ कि लर्न करने में बच्चों को टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने कैसे लर्न किया हुआ मैं आपको अपना बताती हूँ, हाय हाउ आई कीप दीज थिंग्स इन माई माइंड, ठीक है? तो उसके लिए जो है देखिए साइन 3x है ना, तो मैंने 3 से ही स्टार्ट करना, 3 थीटा वाले फॉर्मूले, आई स्टार्ट विद 3। 3 है तो साइन क्यूब थोड़ा लग जाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ 3 sin x minus 4 sin cube x, बात खत्म, क्योंकि यहाँ 3 लगता है या 4 लगता है, 3
थ्री और फोर लगता है, इतना सबको बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर मैंने थ्री से स्टार्ट किया तो मैं क्यूब नहीं लगा सकती हूँ, मतलब एक एक थ्री लग गया उसको क्यूब क्यों लगाना, ऐसा मैंने लर्न किया। ओके, थ्री साइन एक्स माइनस फोर जो है साइन क्यूब एक्स। ओके, लेकिन कॉज का कहां से स्टार्ट होता है, फोर से, फोर कॉज क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉज एक्स। देखो क्या मुश्किल है, ठीक है। लर्न करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंगली ट्रिक फाइंड आउट करता है। जो मेरे माइंड में है मैंने आपको बता दू, मैंने साइन का मुझे इतना पता है थ्री से स्टार्ट होता है, थ्री लग गया मैं साइन क्यूब नहीं लगाऊंगी, फिर अगला थ्री के बाद फोर माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। अब कॉस का स्टार्ट होता है फोर से, फोर के बाद थ्री आना है, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, काम खत्म, ठीक है। अब टेन का मेरे पास हो गए टेन थ्री एक्स। ओके, वैसे तो बच्चे साइन ओवर कॉस करके इसको डिवाइड कर देते हैं, बट टेन का जब हमें टेन की फॉर्म में ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये भी थ्री से ही स्टार्ट होता है टेन वाला भी। तो मेरे पास स्टार्ट कैसे होता है, थ्री टेन एक्स मेरे पास जो है माइनस टेन क्यूब एक्स ओवर बेटा मेरे पास जो है वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। इसमें मुझे हमेशा भूल जाती हूँ मैं भी जल्दी, है ना, बट इतना याद रखा हुआ मैंने कि थ्री से स्टार्ट होता है, थ्री टेन क्यूब कभी नहीं लग सकता, बट मेरे से गलती से यहां मैं फोर लगा देती हूँ, वो क्योंकि साइन कॉस की आदत पड़ी होती है, बट वो नहीं लगाना है। ओके, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ ये याद है, ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए शायद मेरे को भी कई बार गलती लग जाती है, बट ना बींग अ टीचर मुझे याद रखना ही पड़ता है इसको। ओके, तो आप तो स्टूडेंट हो, आपने ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे लगता है आपको डबल ट्रिपल बार याद करना, क्लियर, समझ आ गई बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब जो मेन फॉर्मूलेस रह गए ये मैंने आपको बता दिया जो है थ्री एंगल, क्योंकि ये सब जगह यूज होना। अब जो आगे हम करेंगे व्हाट वी हैव टू डू हियर, लेट अस सी। इसके लिए बस आप एक टेबल लर्न कर लो, बार बार टेबल करोगे तो फॉर्मूले अपने आप हो जाते हैं, इससे दो टाइप के फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। क्या मेरे पास, सबसे पहले एस प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी, सी माइनस सी माइनस टू एस एस, ठीक है, मैंने लर्न किया हुआ है। अब इससे फॉर्मूले कैसे, मैं इधर से इधर भी जा सकती हूँ, मैं इधर से इधर भी जा सकती हूँ, मतलब अगर दो टी रेशियोज साइन साइन या कॉस कॉस में प्लस है या माइनस है लेकिन एंगल डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, कैसे, साइन ए प्लस साइन बी मेरे पास है या साइन सी प्लस साइन डी है, तो मैं इसको क्या चेंज करूंगी, टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू, ठीक है जी, लेट मी शो यू, बस इतना मैंने याद किया हुआ है, सम या डिफरेंस से मेरे पास हो गए प्रोडक्ट में फॉर्मूला चेंज कर, क्लियर, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट मेरे पास हो साइन ए माइनस साइन बी टू कॉस, पहले वाले में हमेशा दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू, दूसरे वाले में हमेशा, ठीक है। अब थर्ड मेरे पास हुआ कॉस ए प्लस कॉस बी, क्या होगा देखो टू सी सी है ना, तो टू कॉस पहले वाले में ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू, दूसरे वाले में ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहां पर आए लास्ट वाले में कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या करेंगे हम लोग, जो व्हाट वी हैव टू डू हियर,
लेट अस सी. तो मेरे पास जो है लास्ट फॉर्मूला लगाएंगे, तो फोर्थ फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी दैट इज माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय ओके क्लियर. अच्छा ये बाहर वाला नेगेटिव ना, जो बाहर वाला नेगेटिव है ये अंदर एडजस्ट भी कर सकते हो आप, बी माइनस ए भी लगा सकते हो. ये वाला नेगेटिव आप अंदर ले जाओ तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाय टू, वो भी कर सकते हो. ये आप पे आपने कैसे लर्न करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है फॉर्मूले लर्न करना. फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप, मैं अगर दो दो फॉर्मूले करके एक एक क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको आते होंगे, अभी करोगे लर्न हो जाएंगे. ठीक है चलो पहले लर्न करते हैं दोबारा. चलिए कौन बताएगा मुझे साइन टू एक्स का फॉर्मूला, ध्रुव सोनिक, ध्रुव सोनिक अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, ध्रुव सोनिक, जपन, जपन यस मैम, जपन मुझे बताइए साइन टू एक्स का फॉर्मूले बताइए दोनों. मैम टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस पूछ रही हूँ, वन प्लस जपन हाँ जी हाँ जी. हिमांशु बताओगे डिनोमिनेटर में क्या आना है मेरे पास, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा डिनोमिनेटर में. बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर कैसे, चेक करो जरा कॉस के मेरे पास जो है टू टेन, हाँ जी साइन के नीचे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा. यस मैम. हम एक मिनट चेक कर लेते हैं, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, लेट अस सी. लीजिए देखना बेटा जरा, हमने जब tan 2x का किया, मैंने आपको कहा sin 2x over cos 2x का कीजिए, है ना. sin 2x का क्या लगाया था मैंने, 2 tan x over 1 plus tan square x, और over cos 2x का हमने क्या किया था, 1 minus tan square x over 1 plus tan square x, और ये कट गए तो 2 tan x over 1 minus tan square x ही लिखा था. हाँ जी मैंने sin 2x का पूछा था कि 10, ओके 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 ठीक है जी, मेरा दिमाग में tan 2x चला गया, इट्स ओके इट्स ओके 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 मेरा ओके चलो ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी. हाँ जी cos 2x का, cos 2x का जल्दी जल्दी, जतिन जतिन अनम्यूट योर सेल्फ, जतिन अनम्यूट योर सेल्फ, जतिन की माइक की ऑलवेज प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट नमन, नमन बेटा. यस मैम. मुझे बताइए फॉर्मूला बताइए कॉस टू एक्स का. मैम तीनों बताने हैं या फिर तीनों तीनों तीनों. मैम एक तो है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, हाँ जी एक है मैम वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ओके और मैम लास्ट है वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स. ओके वेरी गुड बेटा जो है. चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए, हाँ जी नेक्स्ट मुझे बताइए यशिका, यशिका बेटा, यशिका अनम्यूट योर सेल्फ बेटा. चलो जतिन, यस बेटा अनम्यूट योर सेल्फ. यस मैम. हाँ जी जतिन बताइए बेटा फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला, टेन टू एक्स का, टेन टू एक्स.
टू टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स. बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट जो है, हाँ जी, नवकिरत सिंह. नवकिरत सिंह, नवकिरत अनम्यूट योर सेल्फ. हाँ जी, ओके. हिमांशु, हिमांशु बताइए बेटा, कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला बनेगा? कॉस सी प्लस कॉस डी, सी प्लस सी मैंने अभी बताया ना, सी प्लस सी किसके टू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू. बिल्कुल, जैसे ही टीचर ने बोला ना कि कॉस सी प्लस कॉस डी, दिमाग में लेके आओ सी प्लस सी, उसका आंसर क्या होता है? टू सी सी. एस प्लस एस, उसका आंसर क्या होता है? टू एस सी. एस माइनस एस, टू सी एस. और सी माइनस सी दैट इज माइनस टू, जो है मेरे पास एस एस. चार ही तो फॉर्मूले हैं, एस प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी, और सी माइनस सी माइनस टू एस एस. ओके, क्लियर बेटा? सबको बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टू एनी वन? चलो दैट्स गुड. ठीक है, उसके बाद हमने जो है थ्री थीटा वाले फॉर्मूलेस किए, दैट इज साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा. मैंने आगे भी कहा टेन थ्री थीटा में मुझे हमेशा गड़बड़ी लगती होती है, तो चलो सुनते हैं आप लोगों से. ठीक है ना, चलिए कौन बताएगा टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला? जल्दी जल्दी, चलो रिद्धि. यस बेटा, यस रिद्धि. मैम थ्री टेन एक्स माइनस थ्री टेन क्यूब एक्स ओवर वन माइनस थ्री टेन एक्स माइनस मेरी वाली गलती सेम कर रहे हो. मैंने आपको बोला मैं फोर लिख देती हूँ, आप रिद्धि थ्री लिख दो. वाओ, मैम ने गलती की, आप भी करोगे ना? बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस. चलो जी, चलो दिव्यांशी. हाँ जी दिव्यांशी, कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला. मैम फोर कॉस क्यूब x माइनस थ्री कॉस x. वेरी गुड. नेक्स्ट बेटा, हाँ जी कौन बताएगा? रिद्धि की टर्न हो गई. अर्शदीप अनम्यूट करो. अर्शदीप, अर्शदीप रोल नंबर सेवन, अनम्यूट करो बेटा. ऑप्शन दे रही हूँ अर्शदीप. यस मैम. हाँ जी, मुझे साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला बताइए. थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स. वेरी गुड. चलिए रिद्धि, रिद्धि साइन सी माइनस साइन डी. साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी ओवर टू साइन सी माइनस डी ओवर टू. वेरी गुड. चलो हरनूर बता बेटा, कॉस सी माइनस कॉस डी. सी, फिर बाहर नेगेटिव भी आना है. अगर आप सी माइनस डी बाय टू बोल रहे हो तो नेगेटिव भी बात बोलो. लास्ट फॉर्मूला है ना, मैंने आपको पहले ही बोला सी माइनस सी माइनस टू साइन साइन, बस इतना याद रखो. मुझे पता है एक बार से याद नहीं होते हैं, बट घर जाके आज करना ही करना है. ठीक है ना, फॉर्मूले पक्के करो ताकि कल जब आप मेरे साथ क्वेश्चन करो मैं फॉर्मूले बोलूं तो आपको आते. बस एक पेज पे जाके लिखने, बस नथिंग, राइट डाउन इन वन पेज एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं दूसरे फॉर्मूलेस पे जाने लगी. ध्यान से देखना आप बताओ सारे बच्चे. अभी मैंने एक ये चीज की थी सी एस प्लस एस टू एस सी. ठीक है, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी, सी माइनस सी माइनस टू एस एस. ओके, मैंने क्या किया,
हम लोग यहाँ पर इधर थे, इधर थे, हम इधर से इधर गए, हम इधर से इधर गए, उल्टा भी तो हो सकते हैं। हमें साइन कॉस जो है या कॉस कॉस या साइन साइन वो प्रोडक्ट में दिया है, हमने इसको प्लस माइनस में करना है, तो हम क्या करेंगे, वी यूज फ्रॉम हियर वेरी इजी। कैसे, अब ध्यान से देखना बेटा, टू साइन एक्स कॉस वाई, क्लियर कट ये दे दिया, इसका आना साइन प्लस साइन ही है। अब एंगल में वो सी प्लस डी बाय टू नहीं आना, ना एक्स प्लस वाई बाय टू नहीं आना, सिंपल पहले वाले के साथ एक्स प्लस वाई, दूसरे वाले के साथ एक्स माइनस वाई, बाय टू नहीं आना, बाय टू नहीं आना, ये आपको याद रहे। हाँ जी, नहीं मैंने, हाँ जैसे मर्जी याद रखो, है ना, क्लियर। चलो फॉर्मूले बनाए हम, ठीक है। चलो आशीष बताओगे बेटा, हैंड रेज करो, आशीष, आशीष बेटा। यस मैम। आशीष फॉर्मूला बेटा बना के दिखाओ, मेरे पास जो है टू कॉज एक्स कॉज साइन वाई, टू कॉज एक्स साइन वाई। मैम रिपीट करना बेटा, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है टू कॉज एक्स साइन वाई, एक्स साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ओके वेरी गुड। अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट टर्न, हाँ जी कौन बताएगा नेक्स्ट, रेज योर हैंड जल्दी। चलो काव्या, काव्या 26, आप भी बेटा हैंड रेज कर दिया करो कभी। चलिए 25, हाँ जी काव्या 25 बोलिए बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला टू कॉज एक्स कॉज वाई क्या बनेगा? मैम कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस, कॉस एक्स माइनस वाई, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा कॉस नहीं, हम करेंगे टू साइन एक्स साइन वाई। चलिए जी कौन बताएगा, चलो हिमांशु, यस बेटा बताइए, हिमांशु बताइए। हिमांशु अनम्यूट करो बेटा, मैंने किया आपको, अनम्यूट करो। टू साइन बी, हाँ हाँ बिल्कुल वही बताइए क्या बनेगा। कोस कोस ए प्लस बी, अच्छा जी मैम साइन एक्स, देखो मेरे पास ये है, ये इधर है ना, है ना इस साइड, yes, सिर्फ फर्क किसका है, नेगेटिव, नेगेटिव इज नॉट देयर, ये नेगेटिव उधर चल जाएगा, यानी इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ प्लस, ये प्लस हो गया, ठीक है। okay. तो क्या बना, माइनस कॉज एक्स प्लस वाई प्लस कॉज एक्स माइनस वाई, बात खत्म, क्लियर। यहां माइनस यहां प्लस, क्योंकि मैंने यहां से 2SS पॉजिटिव का निकाला तो नेगेटिव उधर चला गया, वो इधर माइनस बना दिया, इधर प्लस, बस उल्टा हो जाना, जहां को आ गया वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जानी। मैं बार बार कहती हूँ को मतलब कोल वाले पंजाबी में अगर कहूं, है ना, आपको प्रॉब्लम तभी होती है कोई आपके नजदीक वाला आपको, आपके कोई रिलेटिव्स कुछ कह रहे हो, उन्हें इधर किधर कहते हो जी, मेरे फ्रेंड ने ऐसे कैसे कह दिया जी, मैं तो मान ही नहीं सकती कि उसने ऐसे किया, हो ना। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में जितने कॉज वाले हैं ना वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको फॉर्मूले को ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। आज सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न किए, प्लीज 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 मैं बार बार कह रही हूँ, डू लर्न दीज फॉर्मूलाज इफ यू वॉन्ट टू डू ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि पहले एनसीईआरटी तभी होगी अगर फॉर्मूले आते हैं। मैं बार बार फॉर्मूले लिखी जाऊंगी आपको पता नहीं चलेगा, एक बार इतने से तो फॉर्मूले किए हमने आज, उन्हीं को लर्न करना, कल क्वेश्चंस करेंगे आपकी हेल्प से, ठीक है।
आप मुझे बताओगे कि कौन सा, और सबकी पार्टिसिपेशन, सबकी पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए, नहीं तो मत लगाओ मेरी क्लास। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए मैं नाम लूं और वो अनम्यूट ना कर, मत आना मेरी क्लास में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, क्या फायदा ऐसे बच्चों को रखते मुझे, नो नीड टू बी प्रेजेंट। ठीक है जी, मैं कह रही हूँ, ओके चलो ठीक है, अच्छे बच्चे बनके ज्वाइन करना, मजाक कर रही हूँ, आना है और आंसर भी देना है, ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर बेटा।